क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अजीत फोगाट के नेतृत्व में कांग्रेसों ने राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अजीत फोगाट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल दादरी जिला पुलिस अधीक्षक मोहित ढांडा IPS को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए अभद्र और निंदनीय टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए ज्ञापन देने लघु सचिवालय पहुँचे। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अजीत फोगाट ने कहा कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान लोगों को उद्वेलित करने वाला है और राजनीतिक दलों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाला है। साथ ही सोच समझकर ये अच्छा बयान इसलिए भी दिया गया है कि ताकि दलों के कार्यकर्ताओं व नेताओं में शांति भंग हो और टकराव की स्थिति पैदा हो, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एक बहुत अच्छे हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। वहीं जो एक बयानबाजी भाजपा की, एक हमारे इस देश की शांति को भंग करने का जो एक इनकी साजिश है, इस प्रकार से भाजपा के कथित सांसद राज्यसभा के सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करी है, वो एक असंतोष फैलाने वाली है। राजनीतिक द्वेष भावना और राजनीति के अंदर जिस प्रकार से शांति को भंग करने की कवायद उन्होंने जो शुरू की है, वो एक बहुत निंदनीय एक बात है। इस प्रकार के बयान इस प्रदेश की, इस देश की जनता के बीच अशांति फैलाने का काम करते हैं। उसी संदर्भ में आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मिलने के लिए हम पहुँचे हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ज्ञापन देंगे FIR कराने के लिए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर मैसेज जाए कि इस प्रकार की निंदनीय भाषा का जिस प्रकार से प्रयोग ये लोग करते हैं, उसका भाषा का प्रयोग दोबारा से ना हो और इस देश के लोग अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार का शांति भंग करने का आपको कोई भी नैतिक व विधिक आपको अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार की एक गलत बयानबाजी ना करें। भाई साहब, बहुत जल्दी हरियाणा में भी अपने चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव कर ली, उसका अपने ऊपर जिम्मा लेते हुए आपके अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या मानते हैं हरियाणा में भी क्या उसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, राहुल जी ने पूरे देश की जिम्मेवारी उन्होंने दी है कि अगर इस प्रकार की हार हमने आ रहे जरूर है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, दोबारा से उठ के खड़े होके हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जिस प्रकार से देश को भ्रमित करने का काम इन लोगों ने किया, राष्ट्र के नाम पे भ्रमित करने का काम किया, भाईचारे को तोड़ के भ्रमित करने का काम इन लोगों ने किया, तो सारी बातें इस चुनाव में लोगों को समझ में भी आई हैं। और जो वायदे इन्होंने किए थे 2014 में भी वायदे किए थे, इस चुनाव के अंदर तो कोई वायदा ही नहीं किया इन्होंने। आज किसान बेचारा लाचार है, आज व्यापारी बेचारा आज लूट के हमारा बैठा है। आपको दादरी के हालात के आपको पता है कि दादरी के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, रातों रात यहाँ के अधिकारियों का तबादला किया जाता है। तो ये सारी बातें आज दादरी के अंदर 5 साल से इन लोगों की सरकार है, 5 साल के अंदर कहाँ इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात कही थी कि मेडिकल कॉलेज देंगे, इन्होंने ना स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराया, खिलाड़ियों की जो राशि थी वो तक काटने का इन लोगों ने काम कर लिया। इस दादरी के अंदर जिस प्रकार से सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, आप देखिए जाके शहर में किस प्रकार से बदहाल आज इस शहर के हैं, सीवरेज की व्यवस्था छपड़ी है, सीवर का लोगों के जीना आराम यहाँ के लोगों का हो गया। तो ये तमाम बातें हैं जो अशांति के रूप में इस क्षेत्र के अंदर लोग सह रहे हैं, तो उन सभी बातों को लेकर लोग भी जागरूक हुए हैं और इस चुनाव के अंदर जो शिकस्त कांग्रेस पार्टी को हुई थी उसका मुँह तोड़ जवाब की बार भाजपा सरकार को देंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अब की बार हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। आप भी काफ़ी टाइम से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो क्या इस बार मानते हैं कि टिकट मिलेगी? बिल्कुल, पार्टी की 15 साल से सेवा की है, अपने खून पसीने से सींचने का काम पार्टी के लिए हमने किया है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं, सामाजिक तौर पे हम लोगों के बीच में रहे हैं, दादरी की हर उस आवाज़ को उठाने का काम किया है, जब भी दादरी के लोगों को जरूरत पड़ी हर वर्ग की आवाज़ हमने उठाई है। कभी दादरी के अंदर किसी प्रकार की घटना हुई है हमारे व्यापारियों के साथ, पीछे हमने दादरी के व्यापारियों के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई जहाँ चैन स्नैचिंग, लूट, डकैती, मर्डर, इस प्रकार की घटनाएं आम हुई हैं, उसके खिलाफ हमने आवाज़ यहाँ के लोगों की उठाई और बहुत सारे मुद्दों की आवाज़ हमने उठाई, तो बखूबी पार्टी इस बात को समझेगी, लोग भी इस बात को समझेंगे और पुरजोर तरीके से अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और दादरी में भी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा और युवा भी इस बार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे।
चरखी दादरी से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।